नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, जो काफ़ी टाइम से जो एरियर का इंतजार कर रहे थे, उसको लेकर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। निर्देश है वो जारी हो चुके हैं, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। लाखों कर्मचारियों का बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर से संबंधित न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच के। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। पेंडिंग अरियर को लेकर निर्देश जारी, अप्रैल में बढ़कर आएगी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जो हमारे लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को जो 30 मार्च 2022 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ने और 18 महीने के पेंडिंग एरियर पर के फैसले का इंतजार था, वहीं दूसरी तरफ ओडिशा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग की 20% जो बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसमें 4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि जो सीएमओ कार्यालय द्वारा जानकारी के मुताबिक, हम आपको बताते हैं कि सीएम नवीन पटनायक ने सातवां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन जो संशोधन से उत्पन्न होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को 20% बकाया राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से 4 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 850 जो करोड़ है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 850 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को लाभ होगा। दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा में जो हमारे आते हैं IAS, IPS और IFS, राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के संबंध में 100% जो बकाया संशोधित पेंशन पहले ही आहरित की जा चुकी है। दोस्तों, माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 20% बकाया जारी होने के बाद सातवां वेतन आयोग के तहत उनकी पूरी बकाया राशि मिल जाएगी। पात्र कर्मचारियों को मार्च 2022 के वेतन के साथ सातवां CPC के तहत 20% बकाया मिलने की उम्मीद है और वही 31% महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो ओडिशा सरकार 2016 में सातवां वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया था और इसके मुताबिक सितंबर 2017 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी, लेकिन तब से यानी कि 20 माह का बकाया जनवरी 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के लिए जो लंबित है, यह राशि किस्तों में जारी की जानी है और इस निर्णय के तहत 2017 और 18 के सेशन में 40%, 2019 और 20 में 10%, 2021 और 22 में 30% बकाया का भुगतान किया जाना था। राज्य सरकार की ओर से 80% बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और जो 20% राशि जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज के हमारे लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद, जय जवान, जय किसान।